स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसको कि हाल में ही प्रस्तावित किया गया है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और इसको नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाएगा। और यह एक्सप्रेसवे हमारे देश के 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, जो कि है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार राज्य में केंद्र सरकार द्वारा औरंगाबाद दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया पोर्ट एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही अब गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जिसका अधिकांश भाग बिहार राज्य से होकर गुजरेगा, इसको भी केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किया जा चुका है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बनने वाला एक और एक्सप्रेसवे पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे भी प्रस्तावित है। और इन सभी एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो अब इस वीडियो में आगे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आप 23 नवंबर 2021 के हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि गोरखपुर और सिलीगुड़ी के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंतर्गत 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसको कि भविष्य में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होगी। इसके वास्तविक लंबाई का आंकड़ा इसके DPR तैयार होने के बाद ही पता चल पाएगा। प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले से शुरू होकर बिहार राज्य के गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी टाउन में जाकर समाप्त होगी। यह एक्सप्रेसवे परियोजना बिहार राज्य के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इसका अधिकांश भाग बिहार राज्य के उन क्षेत्रों से होकर गुजरता है जो कि बाढ़ प्रभावित और पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और वर्तमान में उन क्षेत्रों में रोड की कनेक्टिविटी बिहार राज्य के दूसरे क्षेत्रों की तुलना में काफी खराब है। अतः इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया इत्यादि जिलों में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिससे कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। यह एक्सप्रेसवे परियोजना स्ट्रेटेजिकली भी हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इसका अधिकांश क्षेत्र नेपाल की बॉर्डर के नजदीक से होकर गुजरता है। इसीलिए इसको इंडो नेपाल बॉर्डर एक्सप्रेसवे भी कहा जा सकता है। लगभग 600 किलोमीटर लंबाई वाले इस एक्सप्रेसवे परियोजना का बिहार राज्य के अंदर 416 किलोमीटर भाग होकर गुजरेगा। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे परियोजना के कारण नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी भी हमारे देश के दूसरे हिस्सों से और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। पश्चिम बंगाल के अलावा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में भी काफी आसानी से जाया जा सकेगा, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र को निश्चित तौर से बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है और इसको यातायात के लिए खोला भी जा चुका है। और वर्तमान में गोरखपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, जो कि 2022 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद गोरखपुर से हमारे देश की राजधानी दिल्ली तक एक्सप्रेसवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी और गोरखपुर से दिल्ली के सफर को लगभग 10 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके बाद जब गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, फिर सिलीगुड़ी की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारे देश की राजधानी दिल्ली से हो जाएगी, अर्थात सिलीगुड़ी से दिल्ली तक एक्सप्रेसवे का नेटवर्क स्थापित हो जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच यात्रा के दौरान लगभग 13 घंटे का समय लग जाता है, परंतु गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि वर्तमान में सिलीगुड़ी से दिल्ली की यात्रा को लगभग 25 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 16 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जो कि एक बहुत बड़ा कनेक्टिविटी बूस्ट होगा। इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव बिहार राज्य के पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र सरकार के समक्ष रखी थी,
जिसको कि केंद्र सरकार द्वारा अप्रूव्ड भी किया जा चुका है। अब यह बिहार राज्य की जिम्मेदारी है कि वह जल्द से जल्द इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करे। फिलहाल गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण में खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन की कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके हमारे देश में बनने वाले 10 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।